Happy Mother's Day to all lovely mothers. Hello, happy Mother's Day to all my mothers, lovely mothers. आज का दिन बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए भी और हमारी मम्मियों के लिए भी. वैसे तो हर रोज़ ही एक मदर्स डे होता है. माँ का जो दर्जा है शायद ही कोई निभा सकता है. माँ एक ऐसा शब्द है इसको बोलते ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है ना. जानती हूँ सबका आंसर हाँ होगा. माँ को देखते ही ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें एकदम से हल हो गई. कितनी भी आप टेंशन में हो माँ से बातें करके वो ऐसे लगता है जैसे बस अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, माँ सब संभाल लेगी, राइट ना. माँ का जो प्लेस है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी लाइफ में, वो कोई नहीं ले सकता. जैसा कि मैंने बोला, हर रोज़ एक मदर्स डे होता है. माँ की तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, ना कोई संडे होता है, ना कोई ऑफिशियल हॉलीडे होता है. फिर भी इतने सैक्रिफाइस करते हुए भी बड़ी हंसती रहती है, खुश रहती है और आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है. और क्या चाहिए हमें. हमें चाहिए कि हम अपनी माँ को समझें, अपनी माँ का साथ दें, क्योंकि हर मुश्किल में वही है जो आपका साथ देती है. उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको समझिए. वो जो कहती है वो कभी गलत नहीं हो सकता. भगवान तो हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई जो हर जगह आपका साथ देती है, आपके साथ खड़ी रहती है. आप गलत होते हो तो आपको एक रास्ता दिखाती है. वो आपकी मर्जी है कि आप उसका कहना मानते हैं या नहीं, बट लेकिन वो आपको सही राह पर ले जाती है. आप 10 बार उसे गालियाँ दे दो, ठोकरे मार दो, बट लेकिन फिर भी उसके मन से यही आवाज़ आती है, मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा आबाद रहे, जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली वो उसे मिल जाएं. प्लीज़ प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझिए, उन्हें प्लीज़ अकेला मत छोड़िए. ओल्ड एज में हम अधिकतर सोचते हैं क्या तंग कर रखा है इन लोगों ने, ये वो, हम उन्हें गलत वलत बोलते हैं. नहीं, ऐसा मत बोलिए. आप भी उस एज में आएंगे एक दिन, आपके बच्चे भी आपको इस तरह से बोल सकते हैं. मत करिए ऐसा, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी केयर कीजिए. मैं आज इसीलिए आपके सामने आई हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहती थी और अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहती थी. आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे ने मुझे कार्ड दिया, आपको दिखाऊं? देखिए, और उसने सुबह उठते ही मुझे विश किया, हैप्पी मदर्स डे मम्मा. मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. उसने देखो लिखा है आई लव यू मॉम. मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ इस समय. तो सोचिए अगर आप भी इस तरह से अपनी मम्मी को विश करेंगे, उन्हें हग करेंगे, उन्हें प्यार से बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे मम्मा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा. उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए आज, कुछ अच्छा खाना बनाइए या उनकी किसी चीज़ में हेल्प कर दीजिए जिससे उन्हें बहुत अच्छा फील हो. मतलब उन्हें अच्छा फील कराइए, बस यही कहना था मुझे आज. माँ के लिए बस. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़. थैंक यू.